अभी मैं ना थोड़ी देर पहले ऊपर बैठा हुआ था कि उन्होंने बताया कि जी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद ये इमाद वसीम आ गए। तो मैंने इमाद वसीम का मुझे याद है उन्होंने 2021 पहले जो हमारा मैच था दुबई वाले में नया बॉल डाला था, तो मैं इमाद वसीम का ना वो देख रहा था, चेक कर रहा था। फिर उस मैच पे गया मैं, इमाद ने 2 बॉल डाले 10 रन। मैंने स्कोर कार्ड ध्यान से देखा इंडिया का उस दिन ना, इतना आप उसमें सदमे में चले जाते हो। एक स्टेज पे इंडिया के 12 ओवर में 85-3 आउट था, पाकिस्तान वाला मैच 152 85-3 आउट था 12 ओवर में। ऊपर से तो रोहित और राहुल आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव भी 8 या 10 बना के आउट हो गए थे, और ऋषभ पंत ने ना 2 छक्के मारे थे। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो कि हमारा पड़ोसी नेशन है, राइवलरी हमारी बहुत ज्यादा रहती है, पाकिस्तान की टीम भी T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां अपनी जोरों शोरों से कर रही है। तो क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा विराट कोहली भारी पड़ेंगे आमिर और शाहीन पर, या T20 वर्ल्ड कप 2024 में शाहीन और आमिर रोहित और विराट के ऊपर भारी पड़ेंगे? तो भाई T20 वर्ल्ड कप में जो इंतजार कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा वर्सेस मोहम्मद आमिर या विराट कोहली वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, उनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है और एक्साइटमेंट अभी से आने लगी है, क्योंकि आमिर भी वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अब USA में क्या होने वाला है, वेस्ट इंडीज में क्या होने वाला है इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में, ये तो अभी से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अभी मैं ना थोड़ी देर पहले ऊपर बैठा हुआ था कि उन्होंने बताया कि जी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद ये इमाद वसीम आ गए। तो मैंने इमाद वसीम का मुझे याद है उन्होंने 2021 पहले जो हमारा मैच था दुबई वाले में नया बॉल डाला था, तो मैं इमाद वसीम का ना वो देख रहा था, चेक कर रहा था। फिर उस मैच पे गया मैं, इमाद ने 2 बॉल डाले 10 रन। मैंने स्कोर कार्ड ध्यान से देखा इंडिया का उस दिन ना, इतना आप उसमें सदमे में चले जाते हो। एक स्टेज पे इंडिया के 12 ओवर में 85-3 आउट था, पाकिस्तान वाला मैच 152 85-3 आउट था 12 ओवर में। ऊपर से तो रोहित और राहुल आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव भी 8 या 10 बना के आउट हो गए थे, और ऋषभ पंत ने ना 2 छक्के मारे थे, उनकी विराट की पार्टनरशिप चल रही थी। तो 12 ओवर में इंडिया, ऋषभ के आई थिंक 38 रन थे, हाँ जी, 12 ओवर में 85 रन था इंडिया, और अगले 8 ओवर में इंडिया ने कितने बनाए, कोई आई थिंक 67-70 ठीक है। हार्दिक पांड्या 17.5 ओवर के बाद बैटिंग करने आए थे, हार्दिक पांड्या से ऊपर जडेजा बैटिंग कर चुके थे उस टाइम पे, तो हार्दिक पांड्या छक्के मारते थे ना। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जो रन है ना, कल भी एक जनाब हमारा वीडियो, मेरा फैक्ट इज कि यार हम वर्ल्ड कप कर रहे हैं, 16 से पहले वर्ल्ड कप की बात मत कीजिए, वो जमाना डिफरेंट था। जो 2 वर्ल्ड कप इंडिया खेला 21 और 22 T20, एक ही मैच जीता इंडिया बड़ा, और पाकिस्तान को मेलबर्न में जो हमने हराया था, उसके अलावा सर मैच हुए हैं। उस मैच में इंडिया ने क्यों नहीं बनाए जब 85-3 आउट हो आप 12 ओवर में, भाई 8 में 100 तो बन सकते हैं आप, 175 क्यों नहीं आपने बनाए, क्योंकि अप्रोच वैसी है, रन्स सेफ्टी अंदर जी। तो ये भी फिर 24 में भी ना, और 160-170 तैयार हो जाओ 24 के लिए। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां टीमें अपनी अपनी कर रही हैं। भारतीय टीम की बात करें तो अभी इंडिया में IPL चल रहा है, इसलिए सारे इंडियन प्लेयर्स IPL में बिजी हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो कि हमारा पड़ोसी नेशन है, राइवलरी हमारी बहुत ज्यादा रहती है, पाकिस्तान की टीम भी T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां अपनी जोरों शोरों से कर रही है। पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपनी टीम का ऐलान किया है, और पाकिस्तान के स्क्वाड में 2 ऐसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के स्क्वाड को बहुत ही मजबूत बनाता है। एक का नाम है मोहम्मद आमिर और दूसरे खिलाड़ी का नाम है इमाद वसीम। मोहम्मद आमिर वर्सेज विराट कोहली और मोहम्मद आमिर वर्सेज रोहित शर्मा। वहीं दूसरी तरफ शाहीन भी टीम में है, तो जो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट इंडियन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, उनका हाल फिलहाल में जो रीसेंट परफॉर्मेंस रहा है वो इतना खास नहीं रहा है। तो क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा विराट कोहली भारी पड़ेंगे आमिर और शाहीन पर, या T20 वर्ल्ड कप 2024 में शाहीन और आमिर रोहित और विराट के ऊपर भारी पड़ेंगे? अब आंकड़े क्या कहते हैं भाई, रोहित वर्सेज आमिर क्या आंकड़े हैं, रोहित वर्सेज शाहीन क्या आंकड़े हैं,
और वही वाइस वर्सा आमिर और विराट कोहली के आमने सामने के क्या आंकड़े हैं और शाहीन और विराट के क्या आंकड़े हैं उनके बारे में अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है कि कौन किसके ऊपर हावी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कैप्टन की, रोहित शर्मा वर्सेज मोहम्मद आमिर एंड रोहित शर्मा वर्सेज शाहीन शाह अफरीदी। अगर रोहित और आमिर के कॉन्टेस्ट की बात करें तो ये दोनों ही खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल्स में दो बार आमने सामने आए हैं, यानी कि दो इनिंग्स में आमना सामना हुआ है रोहित और मोहम्मद आमिर का, और वहां पर रोहित शर्मा ने 7 बॉल खेली हैं आमिर की, जिसमें मोहम्मद आमिर रोहित को दोनों बार आउट करने में कामयाब रहे हैं। रोहित 2 बार आउट हुए हैं, सिर्फ 1 ही रन रोहित ने बनाया है आमिर के अगेंस्ट और स्ट्राइक रेट रही है महज 14.28 की, यानी कि रोहित शर्मा को क्लियरली मोहम्मद आमिर ने 2 इनिंग्स में आउट क्लास किया है। रोहित शर्मा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए और याद होगा आपको ये 2 इनिंग्स साल 2016 की हैं, जहां पर एक बार एशिया कप में आउट किया था आमिर ने और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप में आउट किया था, जब आमिर की पाकिस्तान की टीम में दोबारा वापसी हुई थी, और इस बार भी मोहम्मद आमिर की दोबारा वापसी हो रही है पाकिस्तान की टीम में। अब शाहीन शाह वर्सेज रोहित शर्मा कर देते हैं T20s में। हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप में शाहीन को बड़ा मारा रोहित ने, लेकिन T20 फॉर्मेट में थोड़ा परफॉर्मेंस रोहित का खास नहीं रहा है पिछले 1-2 साल में। तो रोहित वर्सेज शाहीन क्या परफॉर्मेंस रही है, अब अगर आप शाहीन और रोहित के स्टेट्स पर नजर डालें तो भाई 2 ही इनिंग्स खेली हैं शाहीन के अगेंस्ट भी रोहित शर्मा ने, 6 बॉल खेली हैं शाहीन की, 1 बार शाहीन आउट करने में कामयाब रहे हैं रोहित को, और वहीं रन रोहित ने सिर्फ 4 बनाए हैं और स्ट्राइक रेट भी महज 66.66 की रही है। यानी कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वर्सेज मोहम्मद आमिर वर्सेज शाहीन शाह अफरीदी, कहीं ना कहीं दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर्स ने रोहित को एक तरीके से डोमिनेट किया है। एक बार आमिर ने 2 बार आउट किया है तो वहीं शाहीन ने 1 बार आउट किया है और स्ट्राइक रेट भी रोहित की अच्छी नहीं है। हालांकि शाहीन के अगेंस्ट एक मजबूत पक्ष रोहित का ये है कि भाई जब 50 ओवर फॉर्मेट में शाहीन आमने सामने हुए थे रोहित के, चाहे वर्ल्ड कप की बात कर लें वर्ल्ड कप में शाहीन को मारा था, या आप एशिया कप की बात करें सेकेंड मैच की, वहां पर भी शाहीन को रोहित ने मारा था। तो अभी तो भाई T20s में शाहीन और आमिर रोहित के थोड़े से ऊपर है, थोड़े से रोहित के ऊपर हावी हो रहे हैं। अब चलते हैं विराट कोहली के ऊपर। भाई विराट कोहली, आपको याद ही होगा जो नॉकआउट में उन्होंने इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप 2016 की बात कर लें या फिर आप बात करें पिछले साल 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर विराट कोहली की जो इनिंग्स आई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, शाहीन को मारा, हारिस रऊफ को ही मारा था, पूरी पाकिस्तान की टीम को इकलौते दम पर विराट कोहली ने हरा दिया था। तो यहां पर विराट वर्सेस आमिर हम देखेंगे और उसके बाद विराट कोहली वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी के भी आंकड़े देखेंगे। विराट कोहली और आमिर की बात करें तो भाई यहां पर भी 2 ही बार आमना सामना हुआ है, और वो बात है 2016 T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की। तो भाई 2 ही बार आमना सामना हुआ है मोहम्मद आमिर और विराट कोहली का T20 फॉर्मेट में। साल 2016 में आपको याद ही होगा जहां एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने हुए थे। तो जो आंकड़े कहते हैं भाई, दोनों ने 2 ही इनिंग्स खेली है और विराट ने कुल मिलाकर 16 ही रन बनाए हैं मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट। हालांकि आमिर आउट करने में कोहली को कामयाब नहीं हुए हैं, मोहम्मद आमिर ने 1 भी बार T20 इंटरनेशनल्स में विराट को आउट नहीं किया है और विराट की स्ट्राइक रेट 84 की रही है आमिर के अगेंस्ट। यानी कि अच्छा खासा कॉन्टेस्ट रहा है दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। अब बात करें शाहीन की, तो भाई शाहीन के अगेंस्ट विराट कोहली आए, जहां पर 2 इनिंग्स में विराट कोहली ने अब तक 34 रन मारे हैं शाहीन शाह अफरीदी को। बॉलें उन्होंने अगेंस्ट शाहीन 22 खेली हैं, सिर्फ 1 बार आउट कर पाए हैं शाहीन शाह अफरीदी विराट को, और स्ट्राइक रेट रही है विराट की अगेंस्ट शाहीन 152.54 की। तो क्लियरली अगर मैं बात करूं शाहीन वर्सेज विराट में, तो विराट ने शाहीन को डोमिनेट किया है। हालांकि 1 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं शाहीन, लेकिन वो भी 50 बनाने के बाद। यानी कि विराट कोहली आमिर को भी एक तरीके से डोमिनेट करते हैं और शाहीन शाह अफरीदी को भी एक तरीके से डोमिनेट करते हैं। तो भाई T20 वर्ल्ड कप में जो इंतजार कर रहे हैं इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, जो इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा वर्सेज मोहम्मद आमिर या विराट कोहली वर्सेज शाहीन शाह अफरीदी, उनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है और एक्साइटमेंट अभी से आने लगी है, क्योंकि आमिर भी वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अब USA में क्या होने वाला है, वेस्ट इंडीज में क्या होने वाला है इंडिया पाकिस्तान
के मुकाबले में, ये तो अभी से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन कौन किसके ऊपर हावी होगा ये आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है आपको, रोहित और विराट भारी पड़ेंगे या मोहम्मद आमिर और शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से हावी होते हुए नजर आएंगे? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड का फॉर न्यूजीलैंड टी20 की 5 सीरीज की मैचों के लिए ऐलान कर दिया गया और तकरीबन 2-4 खिलाड़ियों की तब्दीली के अलावा बाकी यही स्क्वाड टी20 वर्ल्ड कप खेले जाएगा। इस दफा पाकिस्तान की टीम पहले से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है और इसकी वजह 2 ऐसे खिलाड़ियों का पाकिस्तान की टीम में शामिल होना है जिन्होंने अपने दम पर कई मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। जी हां, मैं इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की बात कर रही हूं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि दोनों खिलाड़ी कमाल का टैलेंट रखते हैं, दोनों के पास एक्सपीरियंस भी है और दोनों फॉर्म में भी है। रिसेंटली PSL में दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया और अब दोनों पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। इंडियन मीडिया इन दोनों की टीम में शमूलियत पर बड़ा हैरान है। इनका ख्याल था कि बाबर के कप्तान होते हुए दोनों खिलाड़ी कभी भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सब चीजों को एक तरफ रखकर अभी सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर, अपने खेल पर फोकस कर रहे हैं और जोरों शोर से तैयारी भी कर रहे हैं। और इस दफा हमारी टीम बिल्कुल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है। लोग आमिर शाहीन का विराट और रोहित से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूं, जब तक क्रिकेट है कंपैरिजन तो हमेशा होते ही रहेंगे। आमिर शाहीन पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर्स हैं और विराट और रोहित इंडिया के लेजेंड्स हैं। सब अपनी अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्मर है। अब देखना ये होगा कि ऑन द स्पॉट कौन कितनी जान लगाता है, कैसे परफॉर्म करता है और कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया की टीम इस वक्त IPL खेलने में मसरूफ है और पाकिस्तान की टीम की भी अभी न्यूजीलैंड से 18 अप्रैल को 5 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। दोनों ही मसरूफ है। अभी से सबकी नजरें 9 जून पर है। पाकिस्तान और इंडिया रिवायती हरीफ है और दोनों को आमने सामने आने के मौके बहुत कम मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और आप लोगों को क्या लगता है कि आमिर शाहीन और विराट और रोहित में से किसकी जोड़ी जीतेगी, कामयाब रहेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हर किस्मत भूलें।